हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज निबुला। आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथ। आज हम लोग मैथ विषय के अंतर्गत सिंपलीफाई पढ़ेंगे, यानी कि सरल करना। ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास 4 to 8 के बच्चों के लिए हैं। तो सिंपलीफाई पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं। सिंपलीफाई करने से पहले कुछ इसमें रूल ये होता है, ये एक रूल जो है बोर्ड मास, जो बोर्ड मास होता है, ये इसका जो फुल फॉर्म हमने लिखा है जो इस प्रकार है। बोर्ड मास यानी कि बी, जो फर्स्ट लेटर है वो जो है बी है, यानी कि बी इक्वल टू, यानी कि बी का जो फुल फॉर्म होगा ब्रैकेट होगा, यानी कि हिंदी में इसका होता है कोष्ठक। और दूसरे नंबर पर है ओ यानी आप इक्वल टू का को हम लोग अधिकतर गुणा के रूप में लिखते हैं, यानी कि जब भी सिंपलीफाई करेंगे तो जहां भी आप आएगा वहां पे मल्टीपल यानी कि गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद है डी इक्वल टू डिवाइड यानी कि भाग, जिसे हम लोग भाग कहते हैं, तो भाग का ये जो है साइन है इसको लगा लेंगे। उसके बाद एम का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीपल यानी गुणा, उसके बाद गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद ए इक्वल टू होता है एडिशन, तो एडिशन इक्वल टू इसका हिंदी मीनिंग होगा जोड़, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद होता है यस यानी कि सब्ट्रैक्शन इक्वल टू इसका हिंदी मीनिंग होगा घटाना, जो इसका साइन होगा माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि सरल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले इसमें चिन्ह देखते हैं कि किस किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें 3 चिन्ह है, मल्टीपल, एड और डिवाइड। तो जिस क्रम में ऊपर से जो हम लिखे हैं बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म उसको देखेंगे, अगर ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक आएगा सबसे पहले तो कोष्टक को करेंगे, नहीं अगर उसके बाद ओ यानी कि आप आ जा रहा है तो सबसे पहले आप को करेंगे, अगर डिवाइड आ रहा है तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, अगर मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल को करेंगे। तो इसमें देखिए ऊपर से जब हम एसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें जो बोर्ड मास है इसमें जो फुल फॉर्म हम बताए थे इसमें डिवाइड, तो इसमें डिवाइड का जो चिन्ह आ रहा है तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले पोर्शन को यानी कि जो डिजिट है उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 9 डिवाइड 3, जब 9 डिवाइडेड 3 दिया है तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो जब यहां पे सोल्व लिख लेंगे 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 आएगा। उसके बाद सब फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे 15 × 4+, जब डिवाइड किए हैं तो हमारा आंसर जो है 3 आया है, उस 3 को यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड के नीचे जो दिया है मल्टीपल यानी कि गुणा, उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे यानी कि मल्टीपल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें सेकेंड, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब स्टेप नंबर सेकेंड में देखिए ये 2 डिजिट है 15 × 4, तो जब 15 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 60,
तो जब 60 हो जाएगा तो 60 प्लस 3 ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। अब हमारा देखिए यहां पे लास्ट में जो 2 डिजिट बच रहा है 60 प्लस 3, अब यहां पे हम लोग इसको लास्ट में जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा 63। ये स्टेप नंबर है 3, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। आइए एग्जांपल नंबर सेकेंड देखते हैं। जो प्रक्रिया हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में अपनाए थे सेम वही प्रक्रिया जो है सेकेंड एग्जांपल में भी फॉलो करेंगे। जैसे कि ये बोर्ड मास लिखे हैं बी ब्रैकेट्स ओ आप डी डिवाइड एम मल्टीपल और ए एडिशन और यस सब्ट्रैक्शन। तो एग्जांपल नंबर सेकेंड में इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए 4 चिन्ह दिया है सब्ट्रैक्ट डिवाइड एडिशन और मल्टीपल। तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आए थे तो अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग डिवाइड को करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में जो है 25 माइनस माइनस उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड आ गया है। तो जब 3 से 12 में डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 4। यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद जो नंबर दिया है डिजिट उसको यहाँ पे सेम उतार लेंगे प्लस 8 × 4। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट तैयार हो गया है। उसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड में डिवाइड के बाद हम लोग मल्टीपल करते हैं यानी कि गुणा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल किस में दिया है 8 × 4 यानी कि 8 में 4 से मल्टीपल किया गया है। तो आइए सेकेंड स्टेप में 25 माइनस 4 उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस दिया है। जब 8 का 4 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 4 8 जो आता है 32। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32। हमारा जो है सेकेंड स्टेप तैयार है। सेकेंड स्टेप हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब आएंगे थर्ड स्टेप पर। जितना इसमें चिन्ह दिया है उतना स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया है 25 माइनस, अब देखिए 4 और प्लस 32 ये नंबर दिया है। तो अगर 25 में से 4 घटाएंगे और 32 प्लस करेंगे तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको ऊपर से नीचे आना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो इस नंबर को इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि माइनस के बाद वाला नंबर है। तो अब जब इसमें नहीं करेंगे तो इस नंबर को जो है इस नंबर में ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 32 ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7 और 3 और 2 5 ये हमारा आ जाएगा 57। तो 57 माइनस 4 ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के बाद लास्ट में जो है सब्ट्रैक्ट दिया है। लास्ट में देखिए यहां पे सब्ट्रैक्ट दिया है तो यानी कि हम लोग माइनस करेंगे। जब 57 में से माइनस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे होगा 7 में से 4 घटाएंगे 3 और ये हमारा 5 यानी कि हमारा लास्ट स्टेप में 53। ये स्टेप नंबर जो है 4। स्टेप नंबर 4 में जो है हमारा आंसर आ गया है 53। यही हमारा आंसर है। अब हम आप लोगों को एग्जांपल नंबर 3 बताने जा रहा हूं। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है ब्रैकेट्स दिया है ब्रैकेट्स
हम यहाँ बोर्ड मास के जो नियम थे रूल उसमें बताए थे कि अगर ब्रैकेट्स आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो है डिवाइड करेंगे, या आप होगा तो आप वाले करेंगे। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 42 डिवाइडेड 7 इंटू मल्टीपल, और देखिए ब्रैकेट्स वाले को पहले तोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 18+3 दिया है तो 18+3 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है तो ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 21। ये स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग ब्रैकेट्स को तोड़ दिए हैं, यानी कि इसको खत्म किए हैं, तो यहाँ पे 18+3 दिया है, जोड़ दिए हैं, तो आ गया हमारा आंसर 21। उसके बाद अब इसमें दिया है डिवाइड और मल्टीपल, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ बताए हैं कि मल्टीपल और डिवाइड दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर सेकेंड में, अब यहाँ पे 42 डिवाइडेड 7 दिया है, तो 7 से जब 42 में भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 7 6 42, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6। 6 इंटू यहाँ पे दिया है 21। ये स्टेप नंबर जो है सेकेंड है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने कोष्टक को तोड़ा है, सेकेंड स्टेप में हम लोग डिवाइड किए हैं, अब थर्ड स्टेप में मात्र जो दिया है इसमें मल्टीपल दिया है, तो अब इसको हम लोग गुणा करा लेंगे। तो अब ये 21 जो दिया है इसमें 6 से मल्टीपल करेंगे, तो 6 1 6 और 6 2 2 है, यहाँ इधर कोई अंक नहीं है तो पूरा लिख देंगे 126, यानी कि थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आ जा रहा है, थर्ड स्टेप में हमारा आंसर जो है 126 आ जा रहा है। आप लोगों को हम लोगों को आशा है कि आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो नीचे जो है होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है 45 डिवाइडेड 5 प्लस 17 माइनस 8 इंटू 3। सेकेंड एग्जाम्पल है कोस्ट में ब्रैकेट्स 25 इंटू 4 ब्रैकेट्स, उसके बाद डिवाइड ये दिया है 20, यहाँ पे 26 लिख दिए थे, यहाँ पे 20 होगा। अब इसको आप लोग घर पे कीजिएगा। थैंक यू।